लेक की तरफ जा रहा हूँ। आज काफ़ी सर्दी है, मफलर भी लिया हुआ है, जैकेट भी लिया, अंदर स्वेटर भी पहना हुआ है, शर्ट भी पहनी हुई है, नीचे वेस्ट भी पहनी हुई है, और ये हाथ में आप देख सकते हो ये मैंने हैंडमेड ये पहने हुए हैं। शायद आप सोच रहे हो ये फिंगर्स क्यों नहीं कवर्ड, तो वो आई हैव टू टच द स्क्रीन, तो उसके लिए ये सही रहती हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले निकला था तो मैंने जैकेट नहीं पहनी हुई थी, तो मैंने कहा जरा ऐसे ही चलते हैं, मौसम इंजॉय करते हैं, क्योंकि सुबह बारिश हुई थी और उसके बाद काफ़ी क्लैरिटी थी मौसम में, तो मैंने कहा कि नाउ इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर विद फरुख। और उसके बाद जब बाहर गए तो इन शर्ट्स में हवा नहीं लग रही थी, तो जैसे जैसे मैं लेक की तरफ गया हूँ, लेक इज़ लाइक लिटरली 5 मिनट्स अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो ठीक था माहौल, मतलब दरख्त लगे हुए थे, 2-3 तस्वीरें बनाई। और उसके बाद जैसे ही मैं लेक के पास गया, ओपन एयर के पास, तो जो ठंडी कुल्फी वाली ब्रीज थी ना, उससे मैंने कहा काम यार ख़राब ना हो जाए। आई एम हेयर इन यूरोप ऑन अ वेरी टाइट स्केड्यूल, सो आई हैव टू मेक माई डेज काउंट, सो आई वेंट बैक एंड फिर ये मैं जैकेट पहन के अभी निकला हूँ। तो अभी मैं आपको लेक जिनीव की तरफ लेके जा रहा हूँ, और उधर मैं आपको कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लोर कराऊँगा, गाइड कराऊँगा, चलें आपको साथ लेके जाते हैं। आगे सड़क आगे क्रॉस करने वाली, ये मैंने बटन दबा दिया है, ये आप देख सकते हैं रेड हुई हुई है, और नीचे इसके ना वाइब्रेट होने के लिए लगी होती है, कि अगर लेट्स से अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उसके वाइब्रेशन से पता लगेगा कि अब आपका ना खुल चुका है। एंड ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ये हल्की हल्की इन्होंने इस तरह के ग्रेन्स डाले हुए हैं, ताकि जो ब्लाइंड पर्सन है उसको महसूस हो चलते कि दिस इज़ द राइट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और अभी इंतज़ार करते हैं, जैसे ही वो रेड से ग्रीन होगा दैन फिर हम बादशाह हैं इस गली के, फिर गाड़ियाँ हमारे लिए रुकेंगी और फिर हम क्रॉस करेंगे लाइक अ किंग। और पीछे जो है आप ये देख सकते हैं जो गेट है लेक जिनीव की तरफ लेके जा रहा है, तो लिटरली 5 मिनट में ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 मिनट इज मोर देन। ये सब सारे रुक चुके हैं, और भाई साहब मज़े से चल रहे हैं। हेयर आई एम जस्ट एंटरिंग दैट फिजिकल बाउंड्री ऑफ द लेक जिनीव। बारिशें हो रही हैं, ऑटम का सीज़न आ गया है, तो ये गाड़ियाँ आज काफ़ी भाग फिर रही हैं, क्लीन कर रही हैं, क्लीननेस के कार्ट्स होती हैं इनकी, जो डेड लीव्स हैं वगैरह, और बारिश के साथ जो इनकी ड्रेनेज के ऊपर क्लॉगिंग हो जाती है उसको क्लीन करते हैं। आज एक तो वर्किंग डे है, सेकंड ये कि थोड़ी सी मौसम आज बारिश वाला था सुबह, लेकिन जिस दिन मौसम अच्छा हो और वीकेंड हो तो यहाँ की लोकल पब्लिक जो है काफ़ी आती है, अपना साउंड सिस्टम लेके आती है, वहाँ पार्टी वाला माहौल बनाया होता उन्होंने, तो इंशाल्लाह जिस दिन किसी दिन धूप अच्छी हुई और वीकेंड हुआ तो आई विल मेक दैट वीडियो ऑल्सो, जिसमें आप वो देख सकेंगे ये गोरे पार्टी कैसे करते हैं। इस वक्त मैं लेक जिनीव के सामने आ चुका हूँ, और ये आप ये फ्लावर्स देखेंगे, ऑटम की सीज़न है और हनी बीज इनकी उस पर रस चूस रही हैं। जस्ट लुक एट दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये अभी ऑटम के सीज़न में लगे हुए हैं, इतने खूबसूरत फूल, स्प्रिंग में पता नहीं कितने खूबसूरत होंगे। जैसे ही आप वो गार्डन में से क्रॉस करते हैं तो ये होटल आ जाता है, ला पर्ल ड्यू लाक, और इस होटल की खसूसियत ये है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत वेंटेज पॉइंट पे बना हुआ है, जहाँ से आप लेक जिनीव का बहुत ही खूबसूरत एक वेंटेज पॉइंट ले सकते हैं और डाइन इन कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, एज इन इनके स्टार्टर्स तकरीबन 15 से 20 स्विस फ्रैंक्स से स्टार्ट होते हैं, और अगर आपने सही वाला खाना खाना है तो 80 से 100 स्विस फ्रैंक लग जाते हैं आपके आराम से। 80 से 100 स्विस फ्रैंक का मतलब है आपके 10,000-12,000 आपके पाकिस्तानी आराम से लग जाएंगे फॉर वन मील।
लापर डुलाक के सामने इस वक्त मैं बैठा हुआ और ये मैंने कहा साथ पर गाइड करते रहे कि साइट सीइंग टूर्स आज ये है स्विट्जरलैंड और जिनीवा में है और आपने एक साइट सीइंग टूर लेनी है जिसमें ये गाड़ी के आगे पीछे ट्रॉली सी लगी होती है, ट्रेन टाइप लगी होती है, तो पर पर्सन अडल्ट कॉस्ट 8 स्विस फ्रैंक्स है और अगर आपके साथ बच्चा है 3 से 12 साल का तो उसकी कॉस्ट 5 स्विस फ्रैंक रहेगी। और ये इसका बेसिकली स्टॉप है, पूरा एक चक्कर लगा के यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। इसमें 3 ऑप्शन आपके पास, जिनीव ओल्ड टाउन टूर, ओल्ड टाउन जो है ऑपोजिट ऑफ दिस लेक हम जहाँ गए थे, मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए इसमें आपको पता लग जाएगा, जिनीव पार्क एंड रेजिडेंस टूर, दिस इंक्लूड्स दिस ऑल ट्रैक अराउंड दिस लेक एंड जिनीव इंटरनेशनल टूर्स। इंटरनेशनल टूर्स में ये होता है कि आपको थोड़ा लेक के साथ साथ आगे पीछे भी घुमाते हैं। आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको मैंने लेक दिखाई, आपको मैंने इनके वाटर के फ्लावर्स दिखाए, आपको मैंने इनका एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट दिखाया जस्ट अलॉन्ग द लेक। और इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इफ़ यू कम हियर डू ट्राई दिस रेस्टोरेंट, डू ट्राई दिस साइट सीइंग लॉरी और जस्ट हैव फन। अगर आपको किसी और चीज़ की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। Thank you.